क्लीन सही में आ जाओ। ओ इतनी सारी चीटियां। परसों होली है और होली दोनों बात सेम ही है। मेरी छोटी बेकार हो रही है। Hi guys, welcome back to my channel and in another vlog. काफी टाइम बाद व्लॉग आ रहा है, मतलब जो 3 मार्च का व्लॉग था वो ही मैंने कल एडिट करके डाला है, उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज मैं जब से नेशनल पीटर्स अवार्ड से आई हूँ दिल्ली से, उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं जाना ही हो रहा है, बट अब से वी विल पोस्ट रेगुलरली। और कल भी मैंने एक व्लॉग शूट किया था, एक तो पोस्ट कर दिया जो 3 मार्च वाला, और कल एक शूट किया था वो भी आ जाएगा, एडिटिंग उसकी आधी कर दी है। और अभी जस्ट हम शावर लेके आए हैं एंड ओ जीज विल नो कि नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूजा से याद आया आज मेरा फास्ट भी है, आज फ्राइडे है, मैंने लक्ष्मी माता का फास्ट रखा है और पूजा करेंगे हम लोग उसकी भी 4 बजे। कथा करनी होती है, कथा सुननी होती है, मम्मी करेंगी कथा और मम्मी का भी फास्ट है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रख रही हूँ ये फास्ट, तो कथा वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो मम्मी करेगी। चलो पहले मंदिर चलते हैं फिर मिलते हैं। जाने से पहले हम लोग भगवान के लिए फ्लावर्स तोड़ेंगे और अरे वाह एक फ्लावर खिला है यहाँ पे येलो कलर का, इसको तोड़ेंगे। ओ वाह इधर भी खिला है। चलो इसमें काफ़ी सारी कलियाँ आ रही है, देखो एक येरी ये कल तक खिल जाएगा, ये इसको भी 3-4 दिन लगेंगे। और इसमें भी आ रही है कली, ये लिली है और ये गुड़हल है जैसे ये है ना, इसमें भी कलियां हैं, इसमें भी है, इनमें भी छोटी छोटी कलियां हैं। और ये रेड वाले हैं, ये कल तक खिल जाएगा, इसको कल चढ़ाएंगे हम लोग, इसको तोड़ लेते हैं, इसमें भी काफ़ी सारी कलियां आ रही हैं। एक सेकेंड पता एक बार क्या हुआ था, मैं फूल तोड़ रही थी ना उसके साथ कली आ गई थी, बच गई ये छोटी सी कली है ना येरी, ये टूट जाती यार। ये जो ये है ना वीड, मैंने तुम्हें बताया, ओ इतनी सारी चीटियाँ भाई फ्लावर के अंदर क्यों रहती हो तुम लोग, कोई रहने की जगह है फूल। ये हमारी पूजा की थाली, ये मेरी हनुमान चालीसा और ये हमारा जल, चलते मंदिर। सही टाइम पे आई ये भी मेरे एक हाथ में फोन था ना। चलो महादेव, आज हम जो भी हैं सब इनकी वजह से ही है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। परसों होली है और होली का सामान हमारे आ चुका है, मैं दिखाती हूँ तुमको। ये खाने पीने की चीजें, चिप्स गाठिए और ये है गुजिया, मेन ये होती है होली की। इस बार गुजिया हमने घर में नहीं बनाई, वैसे हर साल हम घर में बनाते हैं गुजिया। और एक और चीज़ होती है, ये होती है घेवर, तो घेवर और गुजिया मेन स्वीट्स होती है होली में जो चलती है। चॉकलेट्स हैं, ये चिप्स वगैरह गाठे और इसमें भी पड़ी हैं कुछ स्वीट्स। अभी हम लोग इसमें से कुछ भी नहीं खाएंगे बिकॉज पहले ये सब पूजा पे, मतलब पूजा करते हैं ना तो उस पर चढ़ता है, उसके बाद खाते हैं। और अभी इसमें से आधा सामान जाएगा मेरी कज़िन के घर क्योंकि उसके छोटा सा बेबी हुआ है और आज जा रहे हैं हम लोग उसके घर पे शाम के टाइम। मैं तुम लोगों को मेरी पेंटिंग दिखाती हूँ। अभी रिसेंटली हमको एक वर्कशॉप में इनवाइट किया था एक आर्टिस्ट ने और मतलब वो बहुत ही टैलेंटेड है। अजमेर में काफ़ी सारे कैफेज़, उसमें जो वॉल्स होती है अच्छी सी मस्त पेंट की, वो उन्होंने पेंट की है। जिस एम्बियंस में हमने ये पेंट कराना वॉज अ चेरी ऑन केक, मतलब वो रूफ टॉप कैफे था, एक ऐसा ही सनसेट सा व्यू दिख रहा था लाइव, बट हमने तो देख कर ड्रॉ किया एक पिक्चर में से, बट उस माहौल ने, उस कैफे ने, जो एम्बियंस था उससे, इट वॉज लाइक चेरी ऑन केक। एक वाइब के साथ पेंट करा हमने, मतलब ऐसा होता है ना कि क्लोज डोर में हम कुछ काम कर रहे तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन एक अच्छे व्यू बैकग्राउंड के साथ काम करते, खुले में बाहर किसी अच्छे से एनवायरमेंट में काम करते तो मज़ा आता है, तो बस वही था। उसके बाद शाम को हमने पूजा करी, कथा करी, मुझे मम्मी ने सिखाई कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम करी मैंने। जस्ट पूजा कंप्लीट करी है और अभी हम लोग बैठ रहे हैं हमारे दिन का पहला मील खाने के लिए, मतलब व्रत के बाद जो खाना खाते हैं ना वो, और खाने में बनाया है ये 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 ये। और जिसको पूछना है क्या बना था वो कॉमेंट में पूछ लेना। ओके नहीं नहीं
नहीं तो चंचल बुआ हाँ मैं बैडमिंटन खेलने आऊंगी लेकिन बोल मैं धनश्री दीदी का क्या करूँ मतलब वो नहीं खेल रही क्या मेरा मन नहीं है क्यों नहीं आपका मन होता खेल लो अबे क्या बोल रहा है पिलियल बोल पिलियल बोल देखो दीदी आपने मुझे तो हमने बोलने के लिए मेरी चोटी बहुत बेकार हो रही है मेरी मम्मी नहीं है क्योंकि और मामी मेरे टाइम नहीं है मामी आजा मैं बना दूँ आजा मैं बना दूँ क्लीन सही में आजा क्लीन 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 आजा आजा एक ही बनानी है क्या हाँ एक ही बनाऊंगी जुल्फे नहीं निकालो ना आगे नहीं लगती कितनी छोटी लगती ठीक है हम लोग ऐसे खेलते हैं बैडमिंटन हम लोग पांच पांच पॉइंट्स की रखते हैं जिसके पहले 5 पॉइंट हुए वो हार गया फिर दूसरा कंटेस्टेंट आता है कंटेस्टेंट दूसरा प्लेयर आता है फिर वो खेलते हैं तो ऐसे ही चलता जाता है सब हमारी गाड़ियों के कांच टूटने वाले हैं ये यहाँ से मार रहा है वो वहां से मार रही है अरे एक हाथ में फोन है एक हाथ में रैकेट है वन पॉइंट पे चली जाएगी स्वर्ग में बोल रहा है बेचारी कॉकलेट तो नाली में खाएगी हमें खेलते खेलते लड़ाइयां भी होती हैं कैसे कर रही थी इन दोनों की लड़ाई हमने फोन रख दिया कार के ऊपर अब हम यहाँ से व्लॉगिंग करेंगे आगे आ जा थोड़ी दिख जाएगी इसने पहले क्या था दीदी इसने पहले क्या था ना ये यही चाहिए था कैमरे में धनश्री आउट हो चुकी है अब खेलेगी एंजल आ जा इधर ये हमारी सबसे होशियार कंटेस्टेंट है नहीं प्लेयर है पागल ये पागल ये 5 सेकंड में आउट हो जाएगी 2 1 स्टार्ट बाय बस देख लिया यो 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 फाइव एक सेकेंड यार तो एक ही एंजल एंजल में दम ज्यादा है तो उसको उधर रखो आपकी जगह फिर मैं कार फोड़ दूंगी नहीं फोड़ दूंगी कुछ भी बोलो आप कुछ एंजल मारती हुई ये धरती हिलने वाली है धम ये शॉट आया एंजल के पास कोई बात नहीं ये भूकंप आने वाला था ओ ये पांच हो गए और पहली बार एंजल ने एक बार में आउट होते ही रैकेट दे दिया नहीं तो वो जिद करती है मैं और खेलूंगी मैं नहीं गाइस मैंने एक शॉट मारा और कॉक चली गई आंटी के घर हम लेने जा रहे हैं इन आंटी के घर कॉक चली गई है कॉक चली गई बोरी बोरी सामने पड़ी है यहाँ पे आंटी कहाँ गई कार के पीछे ही होगी तो हम लोग तब तक खेलेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता धुआं हो गया हमसे खेला नहीं जा रहा इसलिए हम धनश्री के भाई को देखने जा रहे हैं उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है गले का वैभव को देख कर आए वैभव का ऑपरेशन हुआ है ना तो उसको देखने गई थी कल ही नहीं आज दिन में ही आया है वो जयपुर था अभी ठीक है वो उसका ऑपरेशन है तो डॉक्टर ने बात करने के लिए कम बोला है उससे तो वो बात नहीं कर रहे थे कि रिकवरी में तो टाइम धीरे धीरे लगता ही है कोई सा भी ऑपरेशन हो रिकवरी में तो टाइम लगता ही है आप लोग भी उसके लिए प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए उसकी रिकवरी हो जाए ताकि फिर वो भी हमारे साथ बैडमिंटन खेले
तो जैसा कि मैंने बताया था सुबह, हम लोग छोटे क्यूट सी बेबी से मिलने जाएंगे, तो हम लोग इसलिए तैयार हुए हैं उससे मिलने के लिए। और देखो, एक ड्रेस के लिए मैंने कितने कपड़े बाहर निकाले हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहन के जाऊँ। फिर एट दिन मैंने कुर्ती चूज़ करी, तो आई एम रियली एक्साइटेड। मैं पहली बार देखूँगी उसे, बोलो वो जब हॉस्पिटल में थी तब हम लोग जा नहीं पाए थे, बट आज जा रही हूँ, लेट्स गो। ऐसा लग रहा है कहीं से शॉपिंग करके आई हूँ। दोनों बात सेम ही है, दोनों सेम। मासी पे सुसु कर दिया, चूचू कर दिया माची पे, माची को गीला कर दिया आपने। बस बस, ये एक छोटी क्यूट सी बेबी के पापा। अब हम जा रहे हैं, बहुत सारी बातें करी हमने बेबी से, बेबी की मम्मी से, और बेबी के पापा से। मेरे भाई के साथ ही बिजी थे बिजनेस की बातें करने में। चलो ठीक है, आना घर पे। ओके, यू बैक एट होम। अरे सारा, मेरे को ये समेटना पड़ेगा जो मैं बिखेरा करके गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में जल्दी। सी यू सून, डू व्हाट यू लव।